सिंगरौली के नए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को अपराधों की रोकथाम के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस थानों में गुंडे बदमाशों की क्लास लगना शुरू हो गई है। नए एसपी वीरेंद्र सिंह ने अधिकारियों को अपराधों की रोकथाम के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही थानों में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा था। नवानगर पुलिस ने थाना क्षेत्र के करीब 2 दर्जन निगरानी गुंडे बदमाशों की क्लास लेते हुए उनकी एक एक गतिविधियों की जानकारी ली। नवानगर थाना प्रभारी यूपी सिंह ने निगरानी गुंडा बदमाशों को क्षेत्र में किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने की चेतावनी दी। वहीं उनके नए पुराने रिकॉर्ड भी दुरुस्त किए। नवानगर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा निर्देश दिया गया कि थाना क्षेत्र के समस्त निगरानी और गुंडा बदमाशों की परेड कराई जाकर उनसे पूछताछ कर उनके बारे में, उनके रहन सहन, उनके साथी दारानों और उनके जीवन यापन के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रिकॉर्ड संधारित किया जाए। इस संबंध में थाना नवानगर में आज निगरानी बदमाशों की परेड कराई गई थी, जिनसे पूछताछ कर उनका डिटेल रिकॉर्ड में लाया गया है और इस तरह की परेड प्रति सप्ताह जारी रहेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।